हेलो ऑल, वेलकम टू फिटोफैबिया और मैं हूं आपका दोस्त आनंद। आई होप आपको हमारी न्यूट्रिशन मंथ सीरीज पसंद आ रही होगी एंड आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही होंगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट में आके लिखिए, हम फ्यूचर में उन वीडियोस को कवर ज़रूर करेंगे। आज मैं इस वीडियो में फिटनेस इंडस्ट्री के मोस्ट हॉट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, विच इज़ बेटर, राइस या फिर रोटी, विच इज़ मोर हेल्दी। क्या राइस खाने से वेट गेन होता है या फिर फैट लॉस के समय रोटी खाना चाहिए? अगर आपको राइस एंड रोटी के बारे में इतना ही कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई रिक्वेस्ट everyone टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे फ्यूचर अपडेट्स आते रहें। राइस हो या रोटी, दोनों इंडिया में कॉमनली कंज्यूम्ड फूड ग्रेन्स हैं। इंडियन डाइट में डिपेंडिंग ऑन द रीजन राइस एंड रोटी दोनों ही एक स्टेपल फूड हैं जो हर मील में कंज्यूम किया जाता है। सो गाइज, सबसे पहले चलिए इनके न्यूट्रिशन फैक्ट्स को कंपेयर करते हैं सो दैट वी गेट एन आइडिया विच वन इज बेटर। यहाँ पे हम 100 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लोर यानी कि आटा और 100 ग्राम्स ऑफ अनकुक्ड वाइट राइस को लेंगे फॉर द कंपेरिजन। सो अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ आटे से रोटियां बनाएंगे तो उन रोटियों में हमें 341 कैलोरीज मिलेंगी। ऑन दी अदर हैंड 100 ग्राम्स ऑफ अनकुक्ड वाइट राइस को अगर हम कुक करेंगे तो उससे हमें 346 कैलोरीज मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा रोटी में 69 ग्राम्स है एंड राइस में 77 ग्राम्स है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो रोटी में 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है वेयर एज राइस में 7.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। फैट्स दोनों राइस एंड रोटी में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। रोटी में 1.7 ग्राम्स ऑफ फैट है वेयर एज राइस में 1 ग्राम ऑफ फैट है। फाइबर विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो रोटी में ज़्यादा पाया जाता है, रोटी में फाइबर आपको 10 ग्राम्स के अराउंड मिलता है वेयर एज राइस में आपको सिर्फ 1 ग्राम ही मिलता है। सो अगर आप क्लोजली देखें तो दोनों रोटी एंड राइस के न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम हैं। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि विच इज़ बेटर, रोटी या फिर राइस? हम सब ने ये सुना है राइस खाने से पेट भरता है। वेट लॉस करने के लिए आपको चावल छोड़ने पड़ेंगे। रात में राइस अवॉइड करना चाहिए वरना आपका पेट निकल आएगा। बट सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता, दीज ऑल आर मिथ्स। सो गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट इन डिटेल सो दैट हमको एग्जैक्ट रीजन पता चले कि विच इज बेटर। मैं आपको इस चीज को एक ईजी वे में समझाता हूँ। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को ये नहीं पता होता कि हम क्या खा रहे हैं। उसको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम रोटी खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं या पिज्ज़ा खा रहे हैं, वो तो सिर्फ हमें पता होता है। ह्यूमन बॉडी को सिर्फ फूड के केमिकल कॉम्पोजिशन से मतलब होता है। जब आप खाना खाते हैं तो वो फूड आपके स्टमक में ब्रेक डाउन होता है एंड न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं जो आपकी बॉडी एट अ लेटर स्टेज एनर्जी के लिए यूज करती है। सो ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल प्रोटीन्स ब्रेक्स इंटू अमीनो एसिड्स, फैट्स ब्रेक्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक्स इंटू शुगर। सो रिगार्डलेस ऑफ आप जो भी खाना खाएं, आपकी बॉडी को सिर्फ अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, शुगर एंड फैटी एसिड ही समझ में आता है। आपकी बॉडी को कोई आइडिया नहीं है कि आप पिज्ज़ा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं या फिर रोटी खा रहे हैं। ये सब एक केमिकल चेंज होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है जिससे आपको कैलोरीज मिलती हैं टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज। सो ह्यूमन बॉडी इज कंसर्न्ड अबाउट ओनली कैलोरीज। सो जब तक आपका डेली कैलोरिक इनटेक आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से एक्सीड नहीं कर जाता तब तक आप वेट गेन नहीं करेंगे, भले ही आप रोटी खाओ या राइस खाओ या फिर कुछ और खाओ। हमने अपने लास्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में कवर किया था, जिसमें हमने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कवर किया था अलोंग विद ग्लाइसिमिक इंडेक्स। आई वुड रिकमेंड कि आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
द मेजर डिफरेंस बिटवीन राइस एंड रोटी इज राइस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वेयर एज रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. सो क्योंकि राइस एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स हाई होता है एंड वो आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है एंड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड रोटी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स लो है तो वो आपकी बॉडी में जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होता, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है एंड आपको लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करता है. लोगों को लगता है अगर खाना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है तो वो आपकी बॉडी के लिए बेटर है, बट ऐसा नहीं होता. खाना जितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है वो उतनी जल्दी आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करेगा. सो खाना जितनी धीरे धीरे डाइजेस्ट हो उतने आपकी बॉडी के लिए बेटर है. दैट मीन्स लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स इज बेटर देन हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स. दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर बेटर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. दिस डज नॉट मीन दैट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड, बोथ आर इक्वली गुड फॉर योर बॉडी. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है बिकॉज वो आपकी बॉडी में जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है. सो एक रेगुलर पर्सन जो अपना डेली रूटीन ही परफॉर्म करता है उसको ज्यादा मात्रा में सिंपल कार्ब्स की नेसेसिटी नहीं है. ऑन दी अदर हैंड एथलीट्स एंड जिम गोअर्स दे प्रिफर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एज ए प्री वर्कआउट मील सो दैट उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके फॉर देयर वर्कआउट्स. जो उनको प्री वर्कआउट मील में इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे उनका एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है. So, if we talk about unprocessed wheat grain and unprocessed rice grain, दोनों का glycemic index low होता है and दोनों में complex carbohydrates present होते हैं. पर जो हम white rice daily consume करते हैं उसका husk निकाल के उसको polish कर दिया जाता है to look more appealing. इस process के दौरान rice की properties change हो जाती हैं क्योंकि उसमें से उसका फाइबर निकाल दिया जाता है एंड वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड इसी वजह से राइस का ग्लाइसिमिक इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है. इसलिए इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि रोटी इज बेटर देन राइस. बट इन एनी केस अगर आप वाइट राइस खा रहे हो या फिर रोटी खा रहे हो द क्वांटिटी मैटर्स. मैंने आपको हमेशा बोला है एनीथिंग इन मॉडरेशन इज नॉट एट ऑल बैड. सो द क्वेश्चन शुड नॉट बी राइस खाऊं या फिर रोटी. आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग राइस भी खा सकते हैं एंड रोटी भी खा सकते हैं. कुछ लोगों को बिना राइस के उनका मील इनकम्प्लीट लगता है एंड कुछ लोगों को बिना रोटी के उनका मील इनकम्प्लीट लगता है. तो आप राइस या फिर रोटी कुछ भी मॉडरेशन में खा सकते हैं. सो गाइज चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, क्या हम राइस रात को खा सकते हैं. कार्ब्स आप लंच में लो या डिनर में इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. आपको पता है कि अभी क्या टाइम हो रहा है पर आपकी बॉडी को थोड़ी ना पता है कि अभी दिन के 2 बज रहे हैं या फिर रात के 10 बज रहे हैं. अगर आपको एक मील से 200 कैलोरीज मिल रही हैं, तो आप उस मील को दिन में कंज्यूम करो या फिर रात में कंज्यूम करो, उस फूड में 200 कैलोरीज ही रहेंगी. उस पर्टिकुलर फूड की कैलोरिक वैल्यू चेंज नहीं होती. मैंने आपको पहले भी बताया है व्हाट मैटर्स आर द कैलोरीज. अनलेस एंड अंटिल आप ये 200 कैलोरीज कंज्यूम करके एक कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन कर रहे हैं तब तक आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा. इस कंसेप्ट को आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख के याद कर लीजिए कि वेट लॉस एंड वेट गेन एक कैलोरिक डेफिसिट एंड कैलोरिक सरप्लस रेस्पेक्टिवली ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से ही होता है. सो इफ यू वांट टू लूज वेट द की इज टू हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन. किसी भी चीज को आप अपनी डाइट से कंप्लीटली एलिमिनेट ना करें. सो अगर आप राइस एंड रोटी को लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं एंड साथ ही साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड उसके साथ आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है तो आप डेफिनेटली वेट लूज करेंगे. अगेन वेट लॉस एंड वेट गेन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. एक दिन ज्यादा या कम कैलोरीज कंज्यूम करने से आपका वेट लॉस एंड वेट गेन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता. It's a very slow process which requires lots of dedication and patience. The bottom line is, if you want to be fit and look fit, the quality and quantity of your food matters.
सो गाइज, इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर करें एंड कमेंट्स के थ्रू अपने फीडबैक जरूर दें। शेयर दिस वीडियो यूजिंग द हैशटैग न्यूट्रिशन मंथ एंड एनकरेज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू ज्वाइन इन दिस मूवमेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।